गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम की करेंगे। इससे पहले दो एक्सरसाइज हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, तो उससे इसका लिंक देख करके हम पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज। हमने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं और से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन में बताना है। तो 36/100 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.36। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। कैसे हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद है वन को 11 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा, 0.09। इसके ऊपर बार का निशान है तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब जो है रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, इसको हम करते हैं 33/8 आ जाता है और इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4.125। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। उसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट, इसमें क्या है, अपने 3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, इस प्रकार से आंसर आएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार का निशान, इसका मतलब ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, शेषफल इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर क्या है, वो जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किसे बोलते हैं, जिसमें क्या है, हम किसी संख्या को डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या है, वो जीरो ना आए, बार बार संख्या ऐसे ही चलती रहे और अपने पास रिमाइंडर जीरो ना आए, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग क्या है, जिसको डिवाइड करें तो क्या आ जाए, वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। तो ऐसे ही 2/1,000,000 को हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.18। तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद है सिक्स पार्ट, इसको हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या जाता है, 0.8225। तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें भी शेषफल क्या रहा है, जीरो आ जाता है। इसको डिवाइड करना सभी को आता है तो हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, इसका आ जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यू नो दैट 1/7, इसका आंसर उसने खुद डिवाइड करके दिया हुआ है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन के हमने इसको करना है। तो इसका मतलब इफ सो हाउ, तो हमने डिवाइड करके तो सभी कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है विदाउट एक्चुअली डूइंग, बिना इसको डिवाइड करे। तो इसका मतलब हमने क्या है, इसका 1/7 की इसने आंसर दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/1/7 कर दें। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो आंसर आया है इसके हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 से 21। और इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास 0.4 2 8 और 5 7 1 ये आंसर आ जाएगा। तो इसका हम क्या लगा देंगे, बार का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से 2/7 है तो 2 × 1/7, तो 1/7 का आंसर अपने पास आया हुआ है तो हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस आंसर की, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.28574। इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही 4/7 है, 4 × 1/7 करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास, 0.571 और क्या आ जाएगा, 4 to 8। ठीक है ना, ये आ जाएगा 4 to 8। इसी प्रकार से 5/7 करेंगे तो 5 × 1/7, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.714
0.0285 इसके ऊपर मार्क निशान लगा दिया। इसी प्रकार 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हमने क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई 1/7, तो 1/7 का जो आंसर आया हुआ है इसके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.85712। इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका और भी है, जैसे हम इसको क्या करें, जैसे 2/7 को करना है हमने, तो 7 की टेबल में हम 7 की टेबल हम 2 तक लें, जैसे इसको मन में 2.0 तक इसको डिवाइड करें तो इसका मतलब कितने पे जाएगा, 0.2 पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 7 × 2 = 14। तो इसका मतलब 2 के बाद की संख्याएं, 2 के बाद इसमें संख्याएं कितनी है, 2 8 2 8 5 7 1 4। वापिस दोबारा से शिफ्ट चल पड़ेंगे। इसी प्रकार 3 को मन में हम डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा कितने होते हैं, 28 होते हैं, तो 7 4 जा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 से हम इस क्वेश्चन में जो 1/7 का जो आंसर दिया था 4 से उठा लेंगे, 4 2 8 5 7, उसके बाद 1 को लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। इसी प्रकार से 4 को ही हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मन में इसको कर सकते हैं, जैसे 7 की टेबल हमने कहाँ तक लेंगे, 5 तक लेंगे, ठीक है ना, 7 5 = 35, और उसके बाद हमने 5 आंसर दिया है 5 7 1 4 2 8, उसके बाद संख्याएं, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इससे भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। एक्सप्रेस करना हमने इसको P/Q की फॉर्म में जब Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो 0/0.6 है फर्स्ट पार्ट है, 0.6 इसके ऊपर बार का निशान है। तो एक तो शॉर्टकट मेथड है इसका, शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, इसको जितने भी अपने पास बार का निशान है उसको उसके अपॉन में उतने ही 9 कर देंगे, तो ये 6/9 आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड है हम लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 बोथ साइड, तो बोथ साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6, ठीक है ना, बार का निशान है इसके ऊपर। तो इसका मतलब इसका नाम क्वेश्चन नंबर 1 रख देंगे, इसका नाम क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 10x माइनस में x, और इस साइड में 6.6 के बार का निशान है, माइनस में 0.6, तो इसको यहाँ से आ जाएगा 9x और यहाँ से आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/9। तो x का मान वैल्यू ही हमने निकाली थी, मतलब इसको क्या करना था, हमने P/Q के रूप में लिखना था क्वेश्चन को, तो ये आ जाएगा P/Q के रूप में इस प्रकार से 6/9, और शॉर्टकट मेथड से हमने इस प्रकार से कर सकते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास 0.47 और इसके ऊपर बार का निशान, तो शॉर्टकट मेथड से मैंने बताया कि इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 47 ऐसे क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर बार का निशान है वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नीचे जिसके ऊपर बार का निशान है उसके उसके नाम का 9, और जिसके ऊपर बार का निशान है उसके नाम की 0, क्या आ जाएगा 43/90, ठीक है ना। तो हम इस शॉर्टकट मेथड से इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे कैसे करेंगे इसको, लेट इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0.47 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड बाय 10, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10x, और ये आ जाएगा आपके पास 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.7, 7 के ऊपर बार का निशान है तो इसका मतलब इसको हम बार बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरी पूरी संख्या नहीं हो रही है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई अगेन, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, अगेन मल्टीप्लाई अगेन 10, तो बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा 100x, और यहाँ कितना आ जाएगा 47.77, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या रख दिया हमें, क्वेश्चन नंबर क्या थी 1, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3। अब क्या करेंगे हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2
फ्रॉम 3, 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x माइनस में 10x इज इक्वल टू 47। 7 के ऊपर बार का निशान है, ठीक है ना, और माइनस में क्या कर देंगे 4.7। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 90x, और यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ भी हम इसको बार बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ भी हम इसको बार बार लिख सकते हैं, तो इसको इस पर सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगी 43। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 43/90। तो हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट मेथड से हम इसको इस प्रकार से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बताया इसने, ये दे रखा है इसने क्वेश्चन 0.001, इसके ऊपर बार का निशान है। तो शॉर्टकट मेथड से हम इसको क्या करेंगे, जितने भी संख्याएं हैं जैसे 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 999, ठीक है, जितनी बार संख्याएं हैं पूरी संख्या लिखेंगे, 001 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जिनके ऊपर बार का निशान है उन उसके स्थान पर क्या आ जाएगा नीचे 999। तो इसका मतलब शॉर्टकट मेथड से आंसर आ जाएगा 1/9999। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो उसी प्रकार से लेट कर लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है ना, और इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10x, और ये कितना आ जाएगा 0.01। और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाद नहीं मल्टी, इसका मतलब दोबारा से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं हमें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है ना। फिर हम इसको फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर बात नहीं मिलती है, तो इसका मतलब फिर से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, फिर मल्टीप्लाई करती तो ये आ जाएगा 1000x, और यहाँ कितना आ जाएगा 1.1। और इस संख्या को हम बार बार लिख सकते हैं 01, ये बार बार थी, इसको हम लिख सकते हैं दोबारा से। तो इसका मतलब ये आ गया अपने पास, ये संख्या होगी 1, ये होगी 2, ये होगी 3, और ये होगी 4। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 4। तो 1000 में से x जाएंगे तो क्या जाएंगे 1000x माइनस में x, और इस साइड में क्या करेंगे 1.001 में से 0.01 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 999x, और इस साइड से कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/999, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/99। तो इसी प्रकार से सेम यहाँ शॉर्टकट मेथड से भी उसी प्रकार से आंसर आएगा, और लॉन्ग डिविजन लॉन्ग तरीके से भी इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ द P/Q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विच योर टीचर एंड दिस क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है ना। तो इस बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था उसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे इसको ये क्वेश्चन 99 बार बार आया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू 0.9, इसके ऊपर बार का निशान, ठीक है ना, तो बार बार आया हुआ था इसलिए बार का निशान डाल दिया हमने। तो इसको हमने उसी प्रकार से लेट कर लिया x इज इक्वल टू ये, और मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x, और यहाँ आ जाएगा 9.9, ठीक है ना, 9 को हम बार बार ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये 1 होगी, ये होगी 2, तो सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 1 फ्रॉम 2, तो में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से 10x माइनस में x, और 9.9 इसमें से इसको सब्ट करेंगे तो 0.9 को, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 9x, और यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगी 9/9, तो कैंसिल करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और शॉर्टकट मेथड से हम इसको करना चाहें तो क्या बताया था मैंने, 0.9 इसके ऊपर बार का निशान है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 9/1 के ऊपर बार का निशान है तो अपॉन में 9,
तो इसको कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा 1। तो शॉर्टकट मेथड से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 0.9 के ऊपर बार का निशान था, एक बार दोबारा देखो तो 9 अपॉन में एक संख्या के ऊपर बार का निशान था, तो इसका मतलब क्या किया हमने, एक 9 हमने इसके नीचे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, कैंसिल करने के बाद 1 आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द लॉग ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंस ऑफ 1/17। 1/17 को यदि डिवाइड करें हम तो आंसर में कितनी डेसिमल आएंगी, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, हमने उसको चेक करना। तो इसका मतलब इस प्रकार से 1 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो इस प्रकार से सभी को डिवाइड करना आता है, तो डिवाइड करेंगे हम, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास, इस प्रकार की संख्या आ जाएगी। और ये संख्या क्या है, इस प्रकार से जो आंसर आएगा, इस प्रकार से हमने जैसे 17 यहाँ पे इस प्रकार से डिवाइड सभी को आता है, एक हमने 1.000 कितनी ले सकते हैं हम, तो हमने सबसे पहले क्या किया हमने 17 0. डेसिमल चली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इस प्रकार से 17 5 जा 85, और उसके बाद क्या आ जाएगा 15, और एक जीरो ले ली हमने, क्या आ जाएगा 17 8 जा 136, और उसके बाद ये रिमाइंडर आ गया 14, फिर जीरो ले ली, उसके बाद हमने फिर कितना चला जाएगा, ये 88 पे चला जाएगा, तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 136। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया था आ जाएगा 4, और हमने एक जीरो फिर से ले ली, तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 17 2 जा 34, और इसमें इस प्रकार से रिमाइंडर आ गया 6, और फिर इसमें से एक फिर हमने जीरो ले ली, और 17 3 जा क्या आ जाएगा 51, और फिर हमने 10 में से 1 गया था 9, और फिर हमने एक जीरो ले ली, तो 17 5 का क्या आ जाएगा 85, और फिर हमने 10 में से 5 गया 5, एक जीरो ले ली, 17 2 जा क्या आ जाएगा 34, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 16, एक जीरो फिर ले लेंगे, और 17 9 जा 153, और फिर अपने पास कितना है रिमाइंडर 7, फिर जीरो ले लेंगे, और फिर कितना आ जाएगा 17 4 जा 68, और फिर हमने 10 में से 8 गया 2, और फिर जीरो ले ली हमने, तो 17 1 जा 17, और ये इसमें से रिमाइंडर आ जाएगा 3, और फिर जीरो ले ली, और फिर कितना आ जाएगा 17 1 जा 17, और फिर हमने इसका रिमाइंडर कितना है 13, फिर जीरो ले ली, और फिर आ जाएगा 17 7 जा 119, और फिर इसमें से रिमाइंडर लेने के बाद आ गया 11, और फिर एक जीरो ले ली हमने, तो 17 6 जा 102, फिर इसमें से रिमाइंडर आया कितना 8, फिर जीरो ले ली, और 17 4 जा कितना आ जाएंगे 68, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा 12, और फिर जीरो ले ली, और 17 7 जा कितना आ जाएगा 119, और फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, उसके बाद बार बार यही संख्याएं दोबारा से चलनी शुरू हो जाएंगी, और इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास, ये आंसर आ जाएगा। तो ये कह रहा था कितनी डेसिमल है, परफॉर्म द डिवीजन टू द चेक योर आंसर, तो इतनी डेसिमल अपने पास आ जाएंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड वेयर p एंड q आर द इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो ये कह रहा है हमने बहुत से एग्जाम्पल देने हैं जो रैशनल नंबर के हों, p by q की फॉर्म में हो, और p एंड q आर द इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनके बीच में, अदर देन 1 एक को छोड़ करके, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग, और कंडीशन क्या है वो टर्मिनेटिंग भी हो। तो हम यदि 3/2 को डिवाइड करते हैं तो क्या आती है, टर्मिनेटिंग आ जाती है, और 3 और 2 का यदि HCF लेते हैं तो वो कितना आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3/2 क्या आ जाएगा अपने पास, एक एग्जांपल होगा। इसी प्रकार से 5/2 भी हो सकता है, ठीक है ना, इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो भी क्या आ जाता है, टर्मिनेटिंग आएगा, और HCF कितना आ रहा है इसका, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से हम संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना, और जैसे 3/5 भी हो सकता है, 3 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, इसका भी कॉमन, 3 और 5 में कॉमन क्या है, कॉमन या HCF कितना है, HCF उसी प्रकार से क्या है, एक ही है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा अपने पास, 3/5 भी आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है अपने पास, इस प्रकार के ही एग्जांपल होंगे। तो ये कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी थी, तो इसका मतलब क्या है, या तो क्यू के स्थान पे
क्यू पी वाई क्यू, पी वाई क्यू तो टू के स्थान पे या क्या रहा है अपने पास, क्यू इज इक्वल टू या तो टू आ रहा है या कितना आया हुआ है अपने पास, फाइव आया हुआ है, नहीं तो क्या आएगा अपने पास, बोथ भी हो सकते हैं, या टू आएगा या फाइव या बोथ, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी अपने पास, टू फाइव और बोथ हो सकते हैं। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर सेवन, राइट थ्री नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकवरिंग या नॉन रिपीटिंग की बात है। तो इसका मतलब हमने क्या देना है अपने पास, इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगी, ये इरेशनल नंबर ही समझो, ये क्या है नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग प्रॉब्लम किसकी है, इरेशनल नंबर की ही डेफिनेशन है ये, ठीक है ना। इसको हम इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब अपने पास जो एग्जाम्पल हो जाएंगे 0.2, 0.2, 2.0, 2, ठीक है ना, 3.0, 2, तो इस प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3.0, 3, फिर 2.0, फिर 3, फिर 3.0, फिर 3, तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, डैश 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 दिखाएंगे, क्योंकि कैसी संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग और संख्या नॉन रिपीटिंग संख्या, रिपीट भी नहीं होनी चाहिए और क्या है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग, अंत भी नहीं हो, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेट का मतलब है ऐसे अंत, ठीक है ना, ऐसे अंत हो, मतलब डिवाइड करें तो शेष पर क्या है अपने पास जीरो ना आए, ठीक है ना, और नॉन रिपीटिंग बार बार रिपीट की संख्याएं ना हो। तो इसी प्रकार से 0.5 या 4 कर लो, 0.4, 0.4, 2, 4, फिर 3.0, फिर 4, इस प्रकार से हम इसके 3 एग्जांपल्स देने थे। तो इस प्रकार से हमने 3 नंबर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। तो 5 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 7, 7, 7 49, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1, 0 ले लेते हैं, 7, 1 जा 7, कितना आ जाएगा 3, फिर 0 लेते हैं, ठीक है ना, तो 7, 7 4 जा 28, कितना आ जाएगा 2, फिर 0 लेते हैं, 7, 2 जा 14, फिर 6 आ जाएगा, और फिर 0 लेते हैं, फिर कितना आ जाएगा 8 जा 56, और फिर कितना आ जाएगा 4, और फिर 0 लेते हैं, और ये आ जाएगा 7, 5 जा 35, तो फिर दोबारा से एक बार 5 आ गया, तो इसका मतलब रिमाइंडर अपने पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब हमने दोबारा से वही संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास, यदि 5 पॉइंट इसको हमने डिवाइड किया तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 50 लिए हमने, 2, 3, 4 और 5, तो इस प्रकार से आंसर अपने पास ये आ जाए। इसी प्रकार से 9 को यदि 11 से डिवाइड करें तो कितने पे चला जाएगा 0.88, तो ये कितना 10 में से 8 गया 2, और एक 0 और ले लेते हैं, 11 बन जा 11, तो कितना आ जाएगा 9, उसके बाद फिर 9 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, वही संख्या दोबारा से रिपीट होनी शुरू होगी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमने इनके दोनों के बीच की संख्या लेनी है, क्या कर रहा था, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन इरेशनल नंबर, इनके बीच की संख्या लेनी है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगी 0.71, 2 से शुरू कर देते हैं, 0.72, 0.72, इस प्रकार से, इस प्रकार 0.73, 0.73, 0.73, इस प्रकार से 0.74, 74, फिर हमने 2 0 कर दी।